जो तुम चाहते थे अब वही होगा। किस्मत का पहिया कुछ इस तरह घूम रहा है कि जो किस्मत में नहीं लिखा था वह भी झोली में आ गिरेंगी। मेरे प्रिय, वायु भी अपनी दिशा बदल देती है। जब दिव्य शक्तियों का आगमन जीवन में हो जाता है, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, संघर्ष की धूप में अकेले ही चले हो, गिरे हो कई बार, फिर संभले हो। मेरे प्रिय, अब वही धूप शीतल वायु बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। एक ऐसी दिव्य वायु जो अब तक के सारे जख्मों को भर देगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्ति पुंज तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश को पढ़ोगे, वह शक्ति पुंज तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारी बुद्धि से चक्री हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा और तुम फिर से नवीन उत्साह को महसूस करोगे। अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हें जो लक्ष्य बहुत दूर दिखाई पड़ता है, वह तुम्हारी दृष्टि से दूर हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि से नहीं। किस्मत का पहिया चूमते हैं, जो दूर है वह पास हो जाएगा और जो पास है वह और पास आ जाएगा। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है, क्योंकि तुम अपने आप में ही विशेष हो। प्रतिपल स्वयं को सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार करो। बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। एक अद्भुत घटना घटने वाली है तुम्हारे जीवन में। अब जो परिस्थितियां तुम देख रहे थे वह अचानक से बदल जाएंगी। नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें घेर रखा था, जिससे तुम्हारा मन अशांत था और कभी कभी तुम्हें क्रोध भी आ जाता था। अब इन सब से तुम मुक्त होने वाले हो। धन के कमी के कारण जिन सपनों को तुम पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, अब वह स्वप्न भी तुम्हारी स्वतः ही पूर्ण होने लगेंगी। प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय। आने वाला एक नया माह तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। तुम्हें केवल ब्रह्मांड के दिए इन उपहार को बाहें फैलाकर स्वीकार करना है। ब्रह्मांड जो तुम्हें देना चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करो। जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है, तब वह हमेशा के लिए नहीं होता। मेरे प्रिय, तुम अपने कर्म के लेखनीय से नित्य बदल रहे हो अपने भाग्य को, और नित्य बदल रहे हो अपने भाग्य में लिखे दुखों को सुख में। इन दिनों तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, इतनी सहायता की है दूसरों की, छुपे रूप से अपने हक का भी त्याग किया है,
केवल दूसरों की खुशियों के लिए। यही कारण है कि दिव्य लोक में फिर से तुम्हारे लिए कुछ सोचा जा रहा है, फिर से लिखी जा रही है तुम्हारी किस्मत। मेरे प्रिय, इसे तुमने स्वयं अपने कर्मों से ही बदला है। जब तुम प्रसन्न होते हो, जब तुम मुस्कुराते हो, तब खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, और जब तुम दुखी होते हो, तब तकलीफ तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। अर्थात यह तुम पर ही निर्भर करता है कि तुम किस चीज को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। मेरे प्रिय, यही वो सही समय है जब तुम सुख की अनुभूति करो, जब तुम अपार सफलता को प्राप्त करो, जब तुम्हें सही लोगों का आशीर्वाद एक साथ मिले, जब तुम अपने जीवन के बारे में कुछ निर्णय ले सको और एक कदम आगे बढ़ा सको, खिलते पुष्प के भांति तुम भी खिलने वाले हो। यूनिवर्स की शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे बारे में कुछ निर्णय लेने को आतुर है। अपने सत्य परम के फल को पाने के लिए तैयार रहो। खुशियाँ तेजी से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, इसीलिए सकारात्मक रहो। सकारात्मक रहने से ही मनुष्य का आधा भाग्य बदल जाता है। मेरे प्रिय, तुम चाहते थे, अब वही होने को है। महसूस करो, वायु तुम्हारी दिशाएं से चल रही है। यह सुनहरा समय हर मनुष्य के जीवन में एक बार अवश्य ही आता है, जब उसकी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक साथ जुड़ जाती है। जब सकारात्मक समय चलने लगता है, जब समय का चक्र उसके दिशाओं में घूमने लगता है, तुम्हारे जीवन में भी यह दिन आ ही गया। समय का चक्र घूम रहा है, तुम्हारी दिशा में सब कुछ हो रहा है। जो तुम चाहते थे, अब वही तुम्हें प्राप्त होगा। कई दिनों से तुम्हारे मन में एक इच्छा दबी हुई थी, वो इच्छा अब पूर्ण होने को है। जो रास्ते तुम्हें बंद नजर आते थे, सोचते थे इस पर मैं भी कदम रखना चाहता हूँ, अब वह द्वार भी तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। क्योंकि हर मनुष्य यूनिवर्स की शक्तियों के सामने सामान्य ही है। क्या तुम सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो? Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much. Like, share and subscribe.